ताइवान ने भारतीय मजदूरों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। इसी को लेकर भारत ने कहा कि भर्ती को लेकर किसी एक राज्य तक सीमित रहना गलत है। हालांकि बाद में ताइवान को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मालदीव के बाद अब इंडिया को सॉरी बोला है ताइवान ने। हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फरवरी को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंगसन, उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। इस बात को लेके इंडिया ने ताइवान को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले, और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन है उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। ये चीज जो है वो अमेरिका नहीं कह सकता, ये कोई और नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया को ये लिवरेज जरूर मौजूद है। मैं समझता हूँ ये उसको इस लिवरेज का बड़ा फायदा है और ये कॉन्टीन्यूसली ये लिवरेज है। ये लिवरेज थोड़े अरसे के लिए नहीं है, ये उनको एक मुकम्मल लिवरेज हासिल है। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200-300-400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने ठीक है तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। दोस्तों यहाँ पर अहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कैनेडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी। सो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो पाकिस्तान ने खुद कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है, और वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है कि हम बोलते नहीं हैं, और हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी फिर एक फोर्सेस के दरमियान। जय हिंद दोस्तों, ताइवान ने भारतीय कारगरों को जो है कामगारों पर विवादित टिप्पणी करने के लिए जो है माफ़ी मांग लिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। ताइवान के श्रम मंत्री की टिप्पणी से पता चला कि त्वचा के रंग और आहार संबंधित आदतों और धर्म से समानता के कारण पूर्वोत्तर भारत के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। आपके बता दें दोस्तों कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के वजह से भारतीय श्रमिक की भर्ती के बारे में ताइवान ने श्रम मंत्री की टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ताइवान ने विदेश मंत्री मंत्रालय ने जो है वो भारत सरकार से जो है माफ़ी मांग लिया है। आपको बता दें कि मंत्री की टिप्पणियों से पता चलता है कि त्वचा के रंग आहार संबंधित आदतों में धर्म की समानता कारण पूर्वोत्तर भारत के उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ताइवान के श्रम मंत्री मिंग जुंग ने जो है भारत के साथ हाल में ही हस्ताक्षरित श्रम गतिशीलता समझौते के संबंध में YouTube पर एक साक्षात्कार के दौरान टिप्पणी की थी, जिसका अब वो माफी मांग रहे हैं। मालदीव के बाद अब इंडिया को सॉरी बोला है ताइवान ने। हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फरवरी को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंगसन, उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। उनसे जब इंडिया के लेबर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो है लेबर को मंगवाएंगे ताइवान में, क्योंकि उनका कलर, उनके खाने के जो हैबिट है और साथ साथ जो उनका रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, तो हम उनके साथ ज़्यादा सेट बैठेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने उनके स्किल्स की भी तारीफ की कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस बात को लेके इंडिया ने ताइवान को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले, और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन हैं उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। दोस्तों यहाँ पर अहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कैनेडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी। जी आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग है, हर कलर के लोग है, लेकिन कल्चर रिलीजन हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है, और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ
पाकिस्तान एक है, इंडिया में कितने हैं? सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, और भी कई सारे मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान ज्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनका रंग सांवला है या हमारा रंग गोरा है। ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सबको देखा जाता है। एक बंदा नहीं है कि आप उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा तो उन्हीं के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कुछ कहूँ तो मुझे दुनिया देख रही है, मेरे सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इससे ऐसी बात की थी बात। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, हर बात पब्लिश हो जाती है, और बेइज्जती होती है, उस मुल्क की भी बेइज्जती होती है, ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। वो बेइज्जती हो रही थी ना उनकी, इसी वजह से वो लोग आगे आए, माफी मांगी, क्योंकि इंडिया अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता, इंडिया बायकॉट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी, उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं, कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली, लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस देखिए, उन्होंने ताइवान को शटअप बोल दिया कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की डिवीजन की कैसे बात की? आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों का तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है? इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है, लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है वहां से ज्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहां से ज्यादा इंडिया को देखा जाता है, इंडिया का जो सिनेमा है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। यहाँ आप किसी भी लोग किसी से भी पूछ ले, इंडिया का हर एक्टर का उनको नाम पता होता है, हर एक्ट्रेस का नाम पता है, उनको अच्छे से पता है कि इंडिया से क्या हमारे लिए आएगा, क्या प्रॉफिट होना है, क्या नहीं होना, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए फिर उन पे जो फोर्स आया, जो प्रेशर आया है, हाई आया है, इसी वजह से बेचारे पीछे रह गए ना, इसी वजह से जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मतलब कि मकसद ये नहीं था किसी को मतलब कि दिलदारी करना, हमने रंगीन नस्ल पे बात नहीं थी करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था, बाद में अगर उन्होंने बात को चेंज कर लिया तो वो तो सिर्फ कवर अप करने के लिए ना, कवर अप करने के लिए, लेकिन ये है कि अब देखे ना ये चीज इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है, अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बायकॉट कर रहे हैं, जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया, तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा, जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी, तो नस्लों तक नुकसान होता बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है, चाहे वो चाइना है, जो भी है, इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज्यादा लोग हाथ में डाल रहे हैं, जैसे सऊदी अरब देख ले, एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, वहाँ जो अबाया पहना जाता था वो भी खत्म किया जा रहा है, मतलब कि काफी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आपको ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूं तो मतलब कि अब हमारे जो कायदे थे उनका था कि यार यूनिटी फेथ डिसिप्लिन वो हमें नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है, अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया, ये होती है यूनिटी, इसी तरह कौमें बनती है, यही रीजन है कि इंडिया इस टाइम में इकोनॉमी देख ले उनकी हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर वन पे जा रही है, यही उनकी रीजन है, यूनिटी बहुत ज्यादा उनमें। सर अगर रेसिज्म की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली 1971 भी रेसिज्म की वजह से हुआ था कि जुल्फकार अली भुट्टो और यहाँ के जो क़यादत थी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी वाले कहते ओह काले हम पे हुकूमत करेंगे, कालों की इतनी जरूरत, और यहाँ तक कि ऐसे भी किताबों में कोट किया गया कि हम तो कालों की नस्लें बदल देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज जो आज ताइवान ने की इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, मसला ये है कि देखें अब हम इस डेकन होल्ड के अनुसार उन्होंने कहा कि ताइपे की योजना भारत सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को भर्ती करने की न केवल इसलिए है उनकी त्वचा रंग और खाने की आदतें ताइवान के समान थी, बल्कि ईसाई धर्म में उनकी आस्था और उनके कौशल के कारण जो है विनिर्माण के कृषि, जबकि साक्षात्कार 1 मार्च को जो है प्रकाशित हुआ था। विवादिस्ताद में टिप्पणियों में सप्ताही में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ध्यान में आकर्षित किया गया था, जिसका व्यापक आलोचना हुई थी। आपको बता दें टिप्पणी के जवाब में ताइवान के विदेश मंत्री ने सोमवार को जो है 4 मार्च को एक बयान जारी के सुनिश्चित की गई थी। टिप्पणियों के अनुसार ईमानदारी से जो है खेद व्यक्त किया गया था,
द वायर के अनुसार सरकार ने अपने कार्यों के समीक्षा और सुधार का वादा किया था। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक पर इस पर कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें दोस्तों कि यह विवाद ताइवान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के परे कार्यालय विस्तारित करने का श्रम किमी को दूर करने के प्रयासों के बीच आया है। द वायर रिपोर्ट के अनुसार ताइवान और भारत के हाल में ही एक समझौता ज्ञापन हुआ है और इस MOU के पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य निर्माण और कृषि विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती की सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि यह सुविधा ताइवान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को जटिलता के साथ जो है क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करता है। जबकि आपको बता दें कि चीन और नीति का पालन करता है, साथ ही यह ताइवान के साथ औपचारिक